जय श्री राम। शेप ऑफ द लीफ एपेक्स। एपेक्स का मतलब होता है टॉप। लीफ के टॉप को लीफ एपेक्स भी कहते हैं। जो प्लांट्स के जो लीफ का लीफ एपेक्स होता है, जो टॉप ऑफ द लीफ होता है, उसका एक शेप होता है। प्लांट्स के स्पीसीज कई वेराइटीज़ में हैं, तो अलग अलग प्लांट्स के जो लीफ एपेक्स का शेप होता है वह एक समान नहीं रहता है, वह अलग अलग देखने को मिलता है। तो लीफ एपेक्स का जो शेप होता है, किस प्रकार के लीफ एपेक्स के जो शेप होते हैं वह किस प्रकार के होते हैं, आज उसी के बारे में हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। देखिए, अगर लीफ एपेक्स का शेप अगर राउंड शेप हो, जो लीफ का टॉप पोर्शन है अगर वह राउंड शेप का हो, तब उसे बोला जाता है ऑब्ट्यूस। अगर लीफ एपेक्स का शेप अगर पॉइंटेड हो एक्यूट एंगल की तरह, मतलब 90 डिग्री से कम का हो, और हार्ड ना हो, बहुत कड़ा ना हो, और ऐसे लीफ एपेक्स को एक्यूट बोलते हैं। आप देखिए, मैंने एक फिगर बनाया है, यहाँ देखेंगे एक पॉइंटेड शेप में लीफ एपेक्स है, मगर यह शार्प पॉइंटेड नहीं है, यह एक्यूट एंगल की तरह है, 90 डिग्री से कम का एंगल है, और यह बहुत हार्ड भी नहीं है। यह जो पॉइंटेड शेप है लीफ एपेक्स का, इसी को एक्यूट लीफ एपेक्स बोला जाता है। अगर लीफ एपेक्स में टेल का शेप हो, लीफ एपेक्स में अगर टेल का शेप हो, टेल शेप, तब ऐसे लीफ एपेक्स को एक्यूमिनेट लीफ एपेक्स बोला जाता है। कस्पिडेट, अगर लॉन्ग लीफ एपेक्स लॉन्ग हो, शार्पली पॉइंटेड पॉइंटेड स्ट्रक्चर हो, मतलब कि पॉइंटेड शेप में हो, यहाँ देखिए पॉइंटेड शेप में है मगर यह शार्प है, आप देख सकते हैं यह शार्प है, यह पॉइंटेड शेप है, यह काफी शार्प है, तब ऐसे, और यह हार्ड भी है, तब ऐसे लीफ एपेक्स को कस्पिडेट लीफ एपेक्स बोला जाता है। एक्यूट में भी देखेंगे पॉइंटेड है, लेकिन उतना शार्प नहीं है, यहाँ पर आप देखेंगे यह ज़्यादा शार्प है, ज़्यादा नुकीला होता है, ज़्यादा पॉइंटेड होता है, इसे कस्पिडेट बोलते हैं। रेट्यूस लीफ एपेक्स, अगर लीफ एपेक्स में अगर सैलो नॉच हो, सैलो का मतलब ज़्यादा गहरा नहीं, अगर हल्का ही, अगर नॉच हो, नॉच का मतलब कट, नॉच का मतलब कट, देखेंगे आप यह लीफ है, यहाँ पर लीफ में एक कट है, तब ऐसे लीफ एपेक्स को रेट्यूस आप बोलेंगे। अगर लीफ एपेक्स में डीपर नॉच है, नॉच का मतलब कट, अगर ज़्यादा लीफ जो ब्लेड है ज़्यादा गहराई तक लीफ में कट है, नॉच है, तब आप ऐसे लीफ को इमार्जिनेट लीफ एपेक्स बोलेंगे। अगर लीफ एपेक्स राउंडेड है, ब्लंटली शार्प पॉइंटेड शेप वहाँ पर फॉर्म हो गया है, आप देखेंगे यहाँ पर यह राउंडेड है मगर एकाएक यहाँ पर एक शार्प, बिल्कुल, मतलब बिल्कुल आप कह सकते हैं नोखीला, एक पॉइंटेड शेप का फॉर्मेशन हो गया है, ऐसे लीफ एपेक्स को मक्रोनेट बोला जाता है। ब्लंटली मतलब एकाएक हो गया है, सडन इसलिए हो गया है क्योंकि लीफ तो राउंडेड शेप था, इसे तो सीधा जाना चाहिए था राउंड शेप में, मगर आप देखेंगे एकाएक पॉइंटेड
शेप का फॉर्मेशन कर दिया है, इसलिए इस लीफ एपेक्स को मक्रोनेट लीफ एपेक्स बोला जाता है। अगर लीफ एपेक्स में टेंड्रिल का शेप बन गया है या तो कर्ली थिन थ्रेड है, मतलब एक धागे का समान लीफ एपेक्स में शेप बन गया है और वह कर्ली है, या आप इसे कर्ल भी कह सकते हैं। कर्ल मतलब आप देखेंगे यह एक मुड़ा हुआ है, तब ऐसे लीफ एपेक्स को आप सीध रहोज बोला जाता है। अगर लीफ एपेक्स टेंडिल शेप में है या पतले धागे के समान कर्ल मुड़ा हुआ शेप में अगर लीफ एपेक्स है, तब आप उसे सिरहोस लीफ एपेक्स बोला जाता है। तो मैंने आपसे कहा था कि जो लीफ का एपेक्स होता है, लीफ के टॉप का जो पर्सन होता है उसका एक शेप होता है। ढेर सारे प्लांट्स हैं मगर सभी में एक जैसा लीफ एपेक्स नहीं होता है, अलग अलग लीफ एपेक्स के शेप देखने को मिलते हैं। यह वह प्रकार था शेप का, जो लीफ एपेक्स का शेप, जो अलग अलग प्लांट में जो अलग अलग शेप पाए जाते हैं उन्हीं के बारे में मैंने आपको बताया है। यह लीफ एपेक्स का शेप हो सकता है, कोई भी लीफ हो जो उसका लीफ एपेक्स पोर्शन है उसका शेप इन्हीं में से कोई एक हो सकता है, और यह उस प्लांट का के लीफ का एक खासियत होता है कि इस प्लांट के लीफ में, लीफ एपेक्स में इस तरीके का शेप देखने को मिलता है। तो इस वीडियो में इतना ही। आप लोगों ने मेरा वीडियो देखा, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी मैं लीफ से जुड़े हुए जो टॉपिक रह गए हैं उनके ऊपर भी जल्द से जल्द वीडियो बनाकर अपने इस YouTube चैनल पर अपलोड करना होगा। आप सभी लोग मेरे साथ जुड़िए, इसके लिए आप लोग मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल के नोटिफिकेशन बेल आइकन पर जरूर प्रेस कर दीजिए। तो बस इतना ही इस वीडियो में, अब मैं चलता हूँ। आप सभी को जय श्री राम।